गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड, मैं उत्सव फिजिक्स आप लोगों का वेलकम करता हूँ यहाँ पे। तो ये हम लोग का उत्सव फिजिक्स एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप बीएससी के लेक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं। हम बहुत जल्द ही 9th 10th और बेसिक लेवल क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों में जो कि आपके भाई बहन आस पड़ोस में जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन। तो पहला लॉज जो कि हम टाइम ख़त्म हो रहा था, काफ़ी टाइम लेक्चर का हो चुका था, तो इसीलिए हमने बोला था कि आप लॉज लिख लेंगे और अगले क्लास में आपको लॉज वगैरह समझाया जाएगा। तो चलिए इस क्लास में हम लोग लॉज पढ़ेंगे और एक और देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो कैसे न्यूटन सेकंड लॉ का एक सिंपल केस है। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लिमिटेशंस पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज का। क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला न्यूटन्स लॉज आपका क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है, इफ़ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यूज टू बी इन मोशन एंड इफ दैट बॉडी, यहाँ पे मोशन कहने का मतलब आपको पता है ना कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। विल कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इफ दैट बॉडी इज स्टेट ऑफ रेस्ट विल इज इन, सॉरी ये कल इतना जल्दी जल्दी ऐसे क्लास वगैरह लास्ट में मैंने लिखा था कि ये क्लास काफ़ी एक्स्ट्रा हो चुका था। तो इच इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट विल कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट फॉर द इनफाइनाइट टाइम अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे जैसे हम कोई बॉडी सपोज कर लेंगे, ये किस में है? पहले से यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, जब हम इस पर कोई अगर फोर्स लगाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा? इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, करेगी या नहीं करेगी? वेलोसिटी चेंज करेगी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, तो जब हम इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 7 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स में आएगी। तो वेलोसिटी चेंज कर रही है या नहीं चेंज कर रही है? यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हैपन हो रहा है या नहीं हैपन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वेलोसिटी चेंज कर रही है यहाँ पे। तो देखेंगे जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन। क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो कह रहा है आपका फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस पर क्या लगा रहे हैं? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी किस में आ जा रही है? एक्सेलरेटेड मोशन में। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। आपको भी पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ को रेट कब डिफाइन करते हैं? जब उसके चेंज को हम किससे डिवाइड करेंगे? टी से। जब उसके रेट को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। समझ में आया? चलिए ये सब कुछ एक्सटर्नल बातें हैं जो आपको समझाएंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगी अपना यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रहेगी अपने उस स्टेट में, अपने उस इनर्शियल फ्रेम को कंटिन्यू करेगी। जैसे याद है, ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, क्या बोलते हैं, ये कोई एम ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है या नहीं है? इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये किसमें है? रेस्ट में। अगर इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो भी इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। हो सकता है कुछ अप्रॉक्स कुछ वेलोसिटी है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो जाए, तो ये अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करेगी? छोड़ देगी, जिससे ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा। समझ में आया? तो ये भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स, इसका इनर्शियल फ्रेम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए भी है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर समान गति में है तो वो समान गति में ही रहना पसंद करेगी, और अगर वो एकदम रेस्ट में है, यानी कि वो क्या है, एकदम उसकी गति क्या है? जीरो है, तो वो क्या रहेगी? उसी गति में, उसी एकदम रुकी हुई रहेगी। कब तक रुकी रहेगी? इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब अनंत के लिए। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग हम ना करेंगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना लगाएंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाहरी बल, ना लगाएंगे। समझ में आया? तब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएंगे। समझ में आया? चलिए ये आपका, या फिर रेस्ट में रहेगी, एंड फॉर रेस्ट आल्सो, फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट आल्सो। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। समझ में आया? फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? काफ़ी सिंपल, कैसे कोई भी बॉडी है तो वो किस में रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहे, मतलब कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रेवल कर रही है तो वो कंटिन्यू करेगी अपना यूनिफॉर्म मोशन, या फिर अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट में ही रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, मतलब रिमेंस एट रेस्ट कब तक रहेगी, फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, कब तक रहेगी, इनफाइनाइट टाइम, कब तक, जब तक उस पर अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, समझ में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना करें। चलिए सेकेंड लॉ पढ़ते हैं बिना देरी किए, सेकेंड लॉ को समझते हैं। सेकेंड लॉ किसके बारे में है, सेकेंड लॉ बताता है आपको फोर्स, किसको, फोर्स को। चलिए, कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आपका फोर्स है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है या नहीं होता। चलिए, तो अप्लाइड फोर्स को हम किससे लिखेंगे, एफ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे मोमेंटम क्या होता है, एम इन टू वी होता है या नहीं होता, वी फाइनल वेलोसिटी, चेंज कैसे लिखते हैं, एम इन टू यू इनिशियल वेलोसिटी। यानी देखिए यहाँ पर चेंज क्या होता है, किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप चेंज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आप लोग एक जगह साइड में ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको यार, तो ये चेंज है, तो देखिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, एम वी माइनस यू बाई टी होगा या नहीं होगा। वी माइनस यू बाई टी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन से, किससे, एक्सेलरेशन से। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो के एम ए आता है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या होता है, लिटिक कांस्टेंट, समझ में, जिसका वैल्यू क्या होता है, वन, किस, क्या होता है, वैल्यू वन। तो इसलिए हम फोर्स को क्या छोड़ देते हैं, एफ इज इक्व टू एम इन टू ए, समझ में, यही होता है हमारा फोर्स। देखिए कह रहा है, मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे फोर्स क्या होता है, एम इन टू ए, फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चेंज कैसे लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस चेंज किसी भी बॉडी का क्या लिखाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कैसे निकलेगा, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, क्योंकि एम वी क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, एम यू क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, और फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू बाई टी, और वी माइनस यू बाई टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और यहाँ क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू के एम इंटू ए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का अगर हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू हटता है तो इक्वल टू का वैल्यू आता है, तो फिर कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, के, और के का वैल्यू क्या होता है, वन, समझ में आया। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा, अगला हम लोग को पढ़ना है थर्ड लॉ के बारे में, किसके बारे में, दिखाई दे रहा है कैमरा में, देखें, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। तो अगला हमें पढ़ना है थर्ड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ को कैसे समझेंगे। देखिए कह रहा है, टू एवरी एक्शन, क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी कार्य का कुछ ना कुछ अपोजिट, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है, यानी समान और उल्टा क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। मतलब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं किसी बॉडी पे, तो इसका समान और उल्टा रिएक्शन क्या होता है, हम पे भी पड़ता है। जैसे हम किसी दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो वो दीवार पे, जैसे यहाँ ध्यान देंगे, एवरी एक्शन, इसको लिख देते हैं आपको एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही होता है, होता है या नहीं होता है, यही होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, या सिंपल केस, बॉडी पे फोर्स क्यों, जब आप चलते हैं, ये आपका स्विच होता है, चलता है या नहीं चलते हैं, जब आप चलते हैं, ये आप चलते हैं, तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये बॉडी आपका है, जब आप इसको चलते हैं तो इस पे कहाँ फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ, और ये बॉडी आपका कहाँ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ लगाता है या नहीं लगाता है। तो जब आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड भी, ये वाला फोर्स, बड़ा वाला फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाई, फोर्स अप्लाइड बाई, देखिए जब आप फोर्स लगाइएगा तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप फोर्स अप्लाइड बाई अस, ग्राउंड पे ये वाला, और ये छोटा फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाई, फोर्स अप्लाइड बाई ग्राउंड, ग्राउंड किस पे फोर्स लगाता है, हम पे। तो यहाँ पे एफ क्या होता है, बड़ा वाला एफ किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ के इक्वल होगा या नहीं होगा, एक मिनट आप लोग वेट करिए। तो वही बात है, तो थोड़ा सा बाहर प्रॉब्लम आ गया था इसलिए मैं, मुझे यहाँ से जाना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ जब कोई भी हम जब ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं तो ये बड़ा वाला फोर्स किससे डिनोट होगा, फोर्स अप्लाइड बाई अस, ये फोर्स किससे, हमारे द्वारा अप्लाई होता है ग्राउंड पे, ये हमारा क्या है, ग्राउंड क्या है,
ग्राउंड। और ये वाला फोर्स जो है ये कौन अप्लाई करता है हम पे, छोटा वाला फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाई ग्राउंड ऑन अस, ये हम पे अप्लाई करता है। क्या करता है ये फोर्स हम पे अप्लाई करता है कौन, ग्राउंड। तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ यू, क्योंकि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए, जैसे हम बड़ा वाला फोर्स, जैसे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अगर कोई निगेटिव वेक्टर है तो इक्वल एंड अपोजिट साइन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल, लेकिन साइन क्या होता है उसका अपोजिट। तो इसीलिए क्या लिखते हैं हम, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया, चलिए तो यही होगा। इसीलिए हम लोग वेक्टर फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, माइनस साइन। समझ में आया, चलिए थर्ड लॉ आप लोग समझ गए, इक्वल एंड लिख ही देते हैं अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया, यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या लिखते हैं हम, क्या नहीं लिखते हैं, समझ में आया। चलिए अगर यही सब बातें थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो आपको मतलब किसी कहीं ना कहीं पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये ध्यान से देखिएगा, यही है आपका बीएससी का, इतने अभी तक जहाँ तक आपने पढ़ा है तो उसमें ये एक इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये वाली टॉपिक, ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सिंपली, ये नोट में ही लिख लीजिएगा आप, लिख लीजिए नोट में कि क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सिंपली केस ऑफ द सेकेंड लॉ। क्या होता है सेकेंड लॉ का, ये क्या होता है, सिंपल केस होता है। समझ में आया, चलिए देखते हैं कैसे। अब आपको बोल रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड लॉ का क्या होता है, सिंपल केस होता है। तो आपको भी पता है यहाँ पे देखिए, सेकेंड लॉ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अप्लाइड फोर्स, किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, फोर्स के बारे में, थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये थोड़ा मेरा अपना लैंग्वेज है इसीलिए थोड़ा इधर उधर एरर हो सकता है, तो इसको आप लोग समझ, बस समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना होगा, एक दो पेज नहीं बल्कि आपको दस दस पेज, आठ आठ पेज ऐसे एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे ध्यान देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग, मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए सेकंड लॉ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। समझ में आया, यहाँ पे देखिए लेट, इसको यहाँ रहने दीजिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं अनदर पेज में, चलिए देखते हैं क्या होता है, दूसरे पेन से लिखते हैं, दिखाई दे रहा है कैमरे में, हाँ चलिए, लेट पी बी द मोमेंटम, ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। अगर पी आपका पी आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है चलिए, और ये क्या हो गया, जिसको हम क्या लिखते हैं, एम इंटू वी, क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, वेयर क्या होता है, देखिए यहाँ पे जहाँ पर वेयर एम इज इक्वल टू मास एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। समझ में आया, एम से क्या होता है मास होता है, वी से क्या होता है वेलोसिटी, मास और प्रोडक्ट मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा, अब यहाँ से मोमेंटम का भी लिख लेंगे आपको, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। समझ में आया, क्या होता है मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। समझ में आया, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है मास और वेलोसिटी का, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। चलिए देखिए अगला केस क्या होता है इसमें, तो क्या करना है आपको, ये इसको आप लोग सेकंड लॉ क्या प्रोवाइड करता है, फोर्स के बारे में बताता है, क्या प्रोवाइड कराता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा इंस्टेंटेनियस लेवल पर जब हम बात करेंगे यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस लेवल पर, तो क्या लिखते हैं हम लोग, डी पी बाई डी टी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, रेट को ऐसे नहीं लिखते ना, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम, रेट को क्या लिखते हैं आपको भी पता होगा, चेंज को किससे, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस लेवल पे क्या हम डी बाई डी टी कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर मोमेंटम की बात होगी तो क्या होगी, डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ये आप लोग ध्यान देखिए। देखिए रेट को हम क्या लिखे थे, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रेट को क्या लिखा था, सेकंड लॉ को जब हम आपको डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सेकंड लॉ को जब हम पढ़ा रहे थे आपको, हाँ गया हमने लिखा था अभी यहीं पे चेंज को, हाँ देखिए चेंज ये हो गया यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ रेट को क्या लिखे थे, डेल्टा बाई टी लिखे थे यहाँ, तो वहीं ये बात है, देखिए वहीं है कि रेट क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम डी पी बाई डी टी। लिमिटेशंस कल होगा, आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है सो इस बात को सॉरी, थोड़ा लेक्चर कल लिमिटेशन वगैरह होंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह आगे होंगे, तो देखिए क्या होगा फोर्स को आगे क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अब समझ में आया इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर डी पी बाई डी टी। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारा, इसमें अगर मास कांस्टेंट आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे डी वी बाई डी टी, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा मास क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, होगा या नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, हो गया या नहीं। ये मास के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट क्यों दिया है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, समझ में आया, इसके लिए आप लोग चिंता ना करेंगे ये क्यों लिखे हैं सर, तो ये सारी बातें आप लोगों को वहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है मास हो गया, तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, होता है या नहीं होता है, चलिए डी वी बाई डी टी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, समझ में आया। तो फोर्स हमारा निकल के क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आया, देख लिए ये हमारा क्या निकल गया, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे, सो इफ अगर फोर्स को अगर हम क्या करते हैं जीरो करते हैं, क्या करते हैं फोर्स को अगर हम जीरो करते हैं तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी बॉडी अगर कोई रखा हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा उसमें, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में पढ़ा था, अगर कोई मास रेस्ट में है और उस पर अगर फोर्स हम लगाते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी चेंज करता है, अगर हम उस पर फोर्स ही ना लगाए तो वेलोसिटी भी क्या होगा नहीं लगेगा, चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी में भी क्या होगा जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा जीरो, तो यानी कि हमारा जो बॉडी है अगर वो रेस्ट में रहता है, इफ़ आवर बॉडी इज इन रेस्ट, अगर वो किस में होगा रेस्ट में होगा, एंड अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या हो हमारे बॉडी पे अप्लाइड फोर्स जो हो वो क्या हो जाए जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो वो किस में रहेगा रेस्ट में ही रहेगा, इसका मतलब आप समझिए सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया, सेकेंड लॉ इज सिंपली द केस ऑफ फर्स्ट लॉ, सिंपली द केस ऑफ फर्स्ट लॉ, समझ गया या नहीं समझ गया, हो गया। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, और जिन भी बच्चों को अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के नीचे, जिससे अगले वीडियो में उनके डाउट को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और सोल्व करेंगे भी, तो ठीक है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आज आपका दिन शुभ हो। तो चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं लेक्चर को, और थैंक यू यहाँ पे आप लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ठीक है शुक्रिया।